हेलो, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश के इस सीरीज में। स्टेनोग्राफर इंग्लिश का सेट का सॉल्यूशन हो रहा है, सेट नंबर 4। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो के एक्सप्लेनेशन में मैंने कई जगहों पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस सिखाए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना और ऑल को टच करना, ऑल नोटिफिकेशन को मत भूलिएगा। आप में से बहुत सारे छात्र ये सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन अपने मोबाइल के सेटिंग में YouTube के नोटिफिकेशन को ऑफ कर देते हैं, इससे नए वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है और बहुत सारे अच्छे वीडियो से समय पर रूबरू नहीं हो पाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चाहेंगे हम कि आप जब वीडियो देखें तो जहां जहां पर जो बातें आपको कहनी हो उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे, 51 से शुरुआत करेंगे जो कि एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। जर्नलिज्म मींस सेवरल थिंग्स। जर्नलिज्म का अर्थ होता है बहुत सारी चीजें। कौन सारी चीजें तो बताई जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस द एबिलिटी टू राइट एंड कन्वे थॉट्स इन अ वे दैट पीपल विल अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली। सबसे पहले जर्नलिज्म का मतलब होता है कि योग्यता जिसमें आप अपने विचारों को लिखें और कन्वे करें इस तरीके से कि लोग आसानी से जल्दी से हर बात को समझ जाएं। इट मींस बीइंग एबल टू टर्न लॉन्ग आर्टिकल्स इनटू शेप। इसका मतलब होता है इस बात की योग्यता रखना, मतलब जर्नलिज्म का अर्थ है कि आप में ये इस बात की योग्यता होनी चाहिए कि आप बड़े बड़े आर्टिकल्स को छोटे आकार में, संक्षिप्त आकार में ढाल सके। इट मींस यहां जहां जहां भी इट आ रहा है इसका अर्थ हो रहा है जर्नलिज्म। आप जहां जहां कहीं भी इट देख रहे हैं वहां पर आप क्या समझ सकते हैं, जर्नलिज्म समझ सकते हैं। ठीक है, इट मींस मतलब जर्नलिज्म मींस। ठीक है, इट मींस मतलब जर्नलिज्म मींस। Knowing your grammar and composition rules inside and out and upside down. इसका मतलब होता है अपने ग्रामर रूल्स और कंपोजिशन रूल्स को इनसाइड आउट और अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा सीधा हर तरह से अच्छे तरीके से समझने की क्षमता रखना। इट ऑल्सो मीन्स अ नोज फॉर न्यूज। देखिए एक idioms का उपयोग किया गया है, ए नोज फॉर न्यूज। ए नोज फॉर समथिंग मतलब उस चीज को भांपने की क्षमता। आपको किसी ने बताया नहीं लेकिन अपने आप समझ गए कि वहां पर वो चीज है, तो ए नोज फॉर न्यूज। इसका मतलब होता है कि आप में एक नोज फॉर न्यूज हो, मतलब न्यूज को भांप जाने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सी बात न्यूज हो सकती है, तभी आप जर्नलिज्म कर पाएंगे। एंड फील फॉर वर्ड्स, और शब्दों को महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर ट्रुथ, सच को आदर करने की क्षमता होनी चाहिए। एंड ए सेंस ऑफ मिशन, और आप में एक मिशन का सेंस होना चाहिए कि आप अपने काम को एक मिशन के तौर पे लें, उसे हर हालत में पूरा करें, न मौसम और न किसी और तरह की मुसीबत आपको रोक पाए। अ जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप ए सिचुएशन ऑन द स्पॉट। साइज अप ए सिचुएशन का मतलब होता है सिचुएशन के गंभीरता को समझ पाना। ऑन द स्पॉट आप सिचुएशन के गंभीरता को समझ पाए, ये क्षमता भी एक जर्नलिस्ट में होनी चाहिए। ही शुड ऑल्सो डेवलप ए डीप इंसाइट इन टू ए ह्यूमन कंडीशन। डेवलप ए डीप इंसाइट का मतलब होता है गहरी समझ रखना। एक जर्नलिस्ट को मानवीय परिस्थितियों की गहरी समझ होनी चाहिए। Nobody can teach you the finer aspects of journalism. जर्नलिज्म के जो उत्कृष्ट पहलू हैं, जो सबसे हाई क्वालिटी वाले पहलू हैं, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। No plastic surgeon can give you a nose for news. कोई भी प्लास्टिक सर्जन आपको nose for news नहीं दे सकता है, मतलब न्यूज की समझ, न्यूज भांपने की क्षमता नहीं दे सकता है कि आप कैसे फील कर जाएंगे कि कहां पर न्यूज है। ओके, नो टीचर कैन गिव यू अ फील फॉर वर्ड्स। कोई भी शिक्षक आपको शब्दों को महसूस करने की क्षमता नहीं सिखा सकता है। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है,
बच्चे बोलते हैं ना कि वर्ड मीनिंग हम याद कर लेंगे, कर लो ना, इस सेंटेंस को पढ़ लेना एक बार. नो टीचर कैन गिव यू अ फील फॉर वर्ड्स. यू कैन डेवलप अ फील फॉर वर्ड्स ओनली बाय रीडिंग द वर्ड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट एंड इट इज पॉसिबल ओनली इफ यू स्टार्ट रीडिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स. And now the question is, what sort of stories and what sort of novel do you read? The first answer is that it should be according to your choice and interest. And the second, it should be 10%, maximum 10% more difficult than your understanding level. Okay. Okay. Moving to the question 151st. 151st question may have, which of the following statements is not true? नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं चार, उनमें से कौन सच नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. अ प्लास्टिक सर्जन कैन हेल्प अ जर्नलिस्ट. नो, नो प्लास्टिक सर्जन कैन हेल्प अ जर्नलिस्ट. नो प्लास्टिक सर्जन कैन गिव अ जर्नलिस्ट ए नोज फॉर न्यूज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 152nd. व्हाट इज द क्वेश्चन? द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म इज, ऑफकोर्स The ethics for journalism is respect for truth. Next is 153rd. One of the main requirements for a journalist is to. Journalist होने के लिए जो सबसे requirement है अच्छे, उनमें से एक main requirement क्या है? तो have a good nose for news. News की अच्छी समझ होनी चाहिए. A journalist should be equipped with what? जर्नलिस्ट में क्या होना चाहिए? द इनसाइट इन टू ह्यूमन conditions, मानवीय परिस्थितियों और संवेदनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए. 155th, द पैसेज इज ऑन. पैसेज किस बात पर है? पैसेज इस बात पर है कि जर्नलिज्म में होता क्या क्या चीज है, वॉट जर्नलिज्म इज अबाउट, यही इस पैसेज का थीम है. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. Let's start with the second passage. The Indians as a group are not cohesive. अगर हम बोलते हैं कि Indians group के रूप में cohesive नहीं हैं, तो वो मिलजुल के काम करना नहीं जानते हैं. There is a lack of coordination. Coordination की कमी है among individuals, लोगों में, groups, अलग अलग groups में, institutions, अलग अलग institutions में, और states, India में बहुत सारे states हैं, इन states में भी आपस में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन की कमी है. दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मे बी ट्रेस्ड टू सेल्फिशनेस, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड द इनएबिलिटी टू फाइंड जॉय इन वर्किंग टुगेदर एज ए टीम फॉर ए कॉमन गोल. देखिए, दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मे बी ट्रेस्ड टू मीन्स व्हाट? ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका यदि ट्रस्ट टू सेल्फिशनेस है, तो सेल्फिशनेस इसका कारण है, लैक ऑफ ट्रस्ट इसका कारण है, एंड द इनएबिलिटी टू फाइंड जॉय इन वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ काम करने में खुशी महसूस करने की अयोग्यता, मतलब लोगों में वो योग्यता नहीं है कि वो एक कॉमन गोल के लिए टीम के रूप में एक साथ काम करके खुशी प्राप्त कर सके. ये सब कारण है कोऑर्डिनेशन की कमी होने के. दिस लीड्स टू डिवाइसिवनेस, आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म, विद द रिजल्ट इमेजेस आर टार्निश्ड एंड द मेन पर्पस इज डिफीटेड. और इन सब का परिणाम यह होता है कि दिस लीड्स टू का मतलब इन सब का परिणाम यह होता है कि डिवाइसिवनेस हो जाता है, लोगों में आपस में मतभेद हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र और प्रांत के नाम पर. आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म, और इसका परिणाम यह होता है कि आलोचना झेलनी पड़ती है. विद द रिजल्ट इमेजेस आर टार्निश्ड, और इसका परिणाम यह होता है कि छवि धूमिल होते हैं. इमेजेस आर टार्निश्ड का मतलब कि छवि धूमिल हो जाते हैं. एंड द मेन पर्पस इज डिफीटेड, और जो मुख्य उद्देश्य रहता है कार्य करने का, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है. दिस फेनोमेनन इज विजिबल एमंग द ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियंस, द इंटेलेक्चुअल्स, द बिजनेस कम्युनिटी एंड द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी. और ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में,
बिजनेस कम्युनिटी, स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मतलब कम्युनिटी, समुदाय के बीच में, ऑल दोज हु मैटर एंड हु गिव अ पुअर अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स एज ए ग्रुप डिस्पाइट इंडिविजुअल ब्रिलियंस, और उन सब में जो मायने रखते हैं, जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बावजूद, व्यक्तिगत मेधा के बावजूद, व्यक्तिगत रूप से अद्भुत क्षमता रखने के बावजूद, टीम के रूप में वो एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। दिस कॉन्ट्रास्ट इन ह्यूमन बिहेवियर कैन परहैप्स बी ट्रेस्ड टू एज ओल्ड बिलीव्स, रिलीजियस टॉलरेंस, पॉवर्टी एंड द डाइवर्सिटी इन डे टू डे लिविंग कंडीशंस। और इसका जो ये जो कॉन्ट्रास्ट आपको ह्यूमन बिहेवियर में देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट क्या कि इंडिविजुअल मेरिट बहुत ज्यादा है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, उसके बाद भी सारे लोग ब्रिलियंट होते हुए भी जब टीम में जुड़ते हैं तो वो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड अल्टीमेटली ब्रिलियंट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ह्यूमन बिहेवियर में, इसका मुख्य कारण क्या है भाई? तो एज ओल्ड बिलीव्स, कि जितने भी ब्रिलियंट होने के बावजूद वो युगों पुराने अपने मान्यताओं को, रिलीजियस टॉलरेंस को, और गरीबी अमीरी के भेदभाव को, और दैनिक जीवन में जो लिविंग कंडीशंस में डाइवर्सिटी है, जीने के हालातों में जो भिन्नता है, उसको वो अनदेखा नहीं कर पाते हैं, उसमें जकड़े हुए हैं। आई होप कि पैसेज क्लियर हो गया होगा। चलिए, फिर भी जहां कहीं भी कोई मीनिंग रहे, कोई दिक्कत रहे, कोई सेंटेंस का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में लिख के पूछिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज गोल इन दिस पैसेज मीन? इस पैसेज में गोल का क्या मतलब है? तो भाई गोल का मतलब है लक्ष्य, है ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्बिशन। 157 टू व्हाट कैन द कॉन्ट्रास्ट इन ह्यूमन बिहेवियर बी ट्रेस्ड? ये जो ह्यूमन बिहेवियर में कॉन्ट्रास्ट है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो भाई साहब, इसका कारण बस एक ही था, एज ओल्ड बिलीव्स था, रिलीजियस टॉलरेंस था, पॉवर्टी था, डाइवर्सिटी इन डे टू डे लिविंग था। यह सारा कारण इसमें दिया हुआ है, इसलिए यही होगा। बाकी में एक दो दिया है, एक दो नहीं। 158 विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ ब्राइटनेस और डल? टार्निस का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्राइटनेस या डल, ठीक है, कलंकित कर देना। ब्रिलियंस मतलब मेधा, फिनोमिनन घटना, और विजिबल मतलब दृश्य, जो दिखाई पड़ जाए। 159 व्हाट डज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड टू? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है? लीड टू का मतलब परिणाम निकलना, तो डिवाइसिवनेस हो जाता है, आपस में मतभेद हो जाता है, फूट पड़ जाती है, एंड आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म, और आलोचना झेलनी पड़ती है। 160 व्हाई आर द इंडियंस नॉट कोहेसिव एज ए ग्रुप? कोहेसिव क्यों नहीं है इंडियंस एक ग्रुप के रूप में? तो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, lack of coordination among individuals, lack of coordination among groups, lack of coordination among institutions and states, yahi karan hai। aage chalte hain hum log, kya bola ja raha hai? best expresses the meaning, jo best expresses the meaning hai, matlab synonyms, stubborn ka matlab hota hai jiddi, to jiddi ke arth mein adamant use karenge, adamant matlab jiddi, timid darpok, arrogant ghamandi, एंग्री क्रोधित। नेक्स्ट है कोलोजल, कोलोजल का मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, जाइगेंटिक, ए नंबर ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होगा। कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, फैंटास्टिक का मतलब होता है बहुत ही शानदार, डेट्रीमेंटल इसका मतलब होता है हानिकारक, तो इसका सिनोनिम्स होगा हार्मफुल, ठीक है। डिप्लोरेबल निंदनीय, फंडामेंटल मौलिक, एंड डिसग्रेसफुल का मतलब होता है अपमानजनक। हेराल्डेड, हेराल्डेड का मतलब होता है घोषित, तो प्रोक्लेम्ड इसका साइनोनिम्स होगा। क्लैप्ड मतलब क्लैप्ड, प्रशंसित, प्रोटेस्टेड मतलब विरोध करना, रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना। नेक्स्ट वर्ड है इनसेसेंटली, जिसका साइनोनिम्स बताना है। इनसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, निर्बाध गति से, निर्बाध रूप से, तो कंटिन्यूअसली होगा। इनएविटेबली का मतलब होता है अपरिहार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से का मतलब होता है कि जिसको टाला नहीं जा सके, नेसेसरली बोल सकते हैं इसको, इनएविटेबली को नेसेसरली बोल सकते हैं। रेगुलरली नियमित रूप से, इनडिस्क्रीटली
इनडिस्क्रीटली का मतलब होता है अविवेकपूर्ण तरीके से। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। पेन कहां रख दिए भाई हम? हाँ मिल गया। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, तो इसलिए इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ट्रुथ। फ्रीडम आजादी, विजडम बुद्धिमानी, लॉयल्टी वफादारी। नेक्स्ट है अकाउंट्रीमेंट्स, 167 में है अकाउंट्रीमेंट्स। इसका मतलब होता है साजो सामान, सैनिक वगैरह का जो ड्रेस होता है और उनका वेपन्स होता है, उनका बैग होता है, उन सबको अकाउंट्रीमेंट्स कहते हैं। तो आप इक्विपमेंट कह सकते हैं एक तरह से उनके लिए। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, कंपेनियंस मतलब साथी, कैलकुलेशन मतलब गणना। डल्सिट, डल्सिट, डल्सिट का मतलब होता है मधुर, जो आपको राहत दे, सूदिंग। तो सूदिंग या स्वीट। डल मतलब नीरस, हार्ड मतलब कठोर, सार मतलब खट्टा। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग का मतलब कोई बहुत बड़ा आरोप, और उस अर्थ में हम लोग उपयोग करते हैं एक्यूजेशन का। एक्यूजेशन का भी मतलब होता है आरोप। रिविलेशन का मतलब होता है खुलासा। एक्विटल का मतलब होता है रिहाई। रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार। नेक्स्ट वर्ड है इनवेरिएबल, मतलब नियत, नहीं बदलने वाला। कॉन्स्टेंट हो जाएगा इसका साइनोनिम्स। यूजुअल मने पहले जैसा। यूनिवर्सल सार्वभौमिक, जो सभी जगह व्याप्त है, सर्वव्याप्त। एंड सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलेंगे। हमारा अगला सेगमेंट है 171 से, देखते हैं क्या है। शायद इडियम्स एंड फ्रेजेस होना चाहिए। जी हाँ सर। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमारा पहला है फेयर वेदर फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जो आपको मुसीबतों में साथ छोड़ देता है। डाई इन हार्नेस, सेवा में कार्यरत। ठीक है, नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड है लेकिन अनप्लीजेंट है, तो वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है आपके लिए। ठीक है, 174 की ओर चल रहे हैं। 174 में है इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होता है अचानक से सामने आ जाना। 174 में हो जाएगा अपीयर सडनली। 175, ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंस। बाय लीप्स एंड बाउंस का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी, मतलब बहुत तेजी से। नेक्स्ट है हमारा ऑफ नो अवेल, यदि कोई अटेम्प्ट ऑफ नो अवेल होता है, यदि कोई अटेम्प्ट ऑफ नो अवेल होता है, तो वो अटेम्प्ट यानी प्रयास असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल। यदि कोई ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग है, तो उस चीज के कगार पर पहुंचा हुआ है, ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग है। ए सोर पॉइंट विथ समबडी, मतलब किसी की दुखती रग, एक ऐसा परेशानी जो उसको, या एक ऐसी बात जो उसको परेशान कर देता है, समथिंग विच हर्ट्स। एक नंबर राइज लाइक ए फिनिक्स, ठीक है, एक नया जीवन प्राप्त कर लेना। ए नंबर कीप अंडर रैप्स, यदि किसी चीज को आप कीप अंडर रैप्स रखते हैं, तो उसको लपेट के रखते हैं, सेक्रेट रखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पहुंच गए कॉमन एरर पर। देखिए नो सूनर से स्टार्ट हुआ है, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले है, लेकिन यहां भेन नहीं होना चाहिए, दैन होना चाहिए, इसलिए बी में एरर माना जाएगा। एट द सेम टाइम कोई ये भी कह सकता है कि यहां भेन रहने देते हैं, यहां हार्डली नो सूनर के जगह हार्डली स्कार्सली कर देते हैं, तो ए में एरर मान सकते हैं कि नहीं, तो वो भी बिल्कुल सही होगा। इसलिए 181 में थोड़ा सा सावधान हो जाएं। 182, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस, कंप्राइजेस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें ऑफ लगाना ही लगाना है, तब यहां ऑफ रहने दें और कंप्राइजेस के जगह कंसिस्ट कर दें, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। 183, इट इज हाई टाइम, यदि इट इज हाई टाइम है, तो यहां पर V2 होना चाहिए, क्लाउज में है, लेकिन यहां पर 2 का उपयोग फालतू किया गया है, यहां सी आंसर होगा। You should avoid, avoid के बाद 2 plus V1 नहीं होना चाहिए, बल्कि V4 होना चाहिए, traveling होना चाहिए। B में error, there is only one of his novels। देखिए, one of के बाद plural noun रहे, relative pronoun रहे, तो plural verb हो जाता है, लेकिन only one of रह गया, तब ये verb को भी singular होना चाहिए था। C में error, ठीक है।
He denied के बाद भी 2 plus v1 नहीं होगा, v4 का उपयोग किया जाता है deny के बाद, error है b में। 187 knowledge of at least two languages, ये knowledge एक definite knowledge है दो languages का, इसलिए इसके पहले the लगना जरूरी है, error है एक में। 188 the members of the opposition party in the parliament shout at the minister, shout at मतलब किसी को पर गुस्से से चिल्लाना, b में error है। 189 each of the films you suggested are, each of के बाद noun plural होता है लेकिन verb तो singular होना चाहिए, c में error है। 190 the secretary and the principal of the college are, देखिए यहां पर secretary एक post है जिसके साथ the लगा है, principal एक post है जिसके साथ the लगा है, मतलब दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए are का उपयोग सही है। are attending the district development council meeting at the collectorate, no error है इसमें। 191 to 195 पाराजंबल है, ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने वाला, अलर्ट करने वाला सेगमेंट है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए कि इस सेगमेंट में खास बात क्या है कि सारे सेंटेंसेस बड़े-बड़े दिए हुए हैं लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से रीडिंग कर लें सारे सेंटेंसेस को तो यकीन मानिए कि ये बहुत कठिन भी नहीं लगेंगे। फाइटिंग सॉरी चलिए शुरुआत करते हैं 191 से इसी बात के साथ। पहले पहला सेंटेंस पढ़िए, पहला सेंटेंस है फाइटिंग ए फायर डिमांड्स ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, एंड्योरेंस का मतलब सहने की शक्ति होती है, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहने की शक्ति। तो आग से लड़ना मतलब आग को बुझाने के लिए काफी शारीरिक ताकत की जरूरत होती है और काफी मानसिक ताकत यानी सहन शक्ति की भी जरूरत होती है। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट के बाद क्यू आना चाहिए और क्यू आर पी का एक साथ रिलेशन है। क्यू में है द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग द फायर फाइटर वेयर्स विल वेट अबाउट 10 kilograms। आर में है द फायर फाइटर विल नॉर्मली वेयर एन ऑक्सीजन मास्क एंड कैरी एन ऑक्सीजन टैंक। और पी में है, गौर से समझिएगा, द ब्रीदिंग यूनिट मे वेट एज मच एज 25 kilograms। ठीक है, और तब एस आना चाहिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज मतलब इन चीजों के बाद, यानी एस हमेशा इन तीनों के बाद आना चाहिए और एस इन तीनों के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है कि क्यू आर पी के बाद एस है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दीज लिखा है एस में, तो इन तीनों को पहले चर्चा करेंगे तब एस का चर्चा करेंगे। ये सिर्फ 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 बी में है। चलिए 192 की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। पहले सेंटेंसेस पढ़ते हैं 192 में। वी वेयर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल, रत्ना टी स्टॉल पर हम लोग चाय पी रहे थे। फिर एस होना चाहिए, सडनली वी हर्ड ए लाउड नॉइज फॉलोड बाई ए क्राई फॉर हेल्प। एस के बाद क्यू होना चाहिए, वी रस्ट आउट ऑफ द टी स्टॉल, क्योंकि पहले नॉइज सुनेंगे और तब दौड़ के टी स्टॉल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ठंड पड़ रही है थोड़ी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हम बाहर निकलेंगे तो फिर पी में आइए, वी फाउंड, जब बाहर निकला तो हम लोगों ने पाया, वी फाउंड ए टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू ए टैमरिन ट्री। रैम इनटू का मतलब होता है जाके टकरा जाना धड़ाक से, और टैमरिन ट्री का मतलब होता है इमली का पेड़, रोड साइड में इमली के पेड़ में टकरा गया। बाहर निकले तब ये देखे, और पी के बाद फिर आएगा आर, कि वी हेल्प्ड द पैसेंजर्स टू गेट आउट ऑफ द बस, हम लोगों ने मदद किया पैसेंजर्स को बस से बाहर निकलने में। इसलिए इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 193, चलिए 193 में देखते हैं। डेमोक्रेसी इज द प्राइमरी गोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला लक्ष्य डेमोक्रेसी है। ठीक है, इसके बाद आना चाहिए क्यू, इन ए डेमोक्रेसी द पीपल आर द रूलर्स। उसके बाद आना चाहिए एस, दे रूल थ्रू, क्योंकि पीपल आर द रूलर्स है तो उसे रिलेट करेगा, दे रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके बाद आना चाहिए पी, अब पी में लिखा है, इफ रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल दे आर चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन।
और पी के बाद आना चाहिए आर, क्योंकि अब चेंज हो जाएंगे तब आर में न्यू का बात होगा, न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल टेक देयर प्लेसेस, ठीक है, नए रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों की मदद, लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, उनको जगह दिया जाता है पुराने के। तो इस तरह से हमको 193 में मिल गया सी नंबर ऑप्शन QSPR, ठीक है। 194 देखें, 194 में हम पढ़ रहे हैं आपके लिए, पहला सेंटेंस है सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस, सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा चुका है या किया गया है, ठीक है ना, फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे उद्देश्यों से या उद्देश्यों के लिए, ठीक है। फर्स्ट के बाद अच्छे से देखें तो क्यू आना चाहिए, वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा ऑन 19th अप्रैल 1975, तो फर्स्ट के बाद हमको लगता है कि क्यू आना चाहिए। क्यू के बाद अच्छे से पढ़ेंगे, रीडिंग आपको सारा करना पड़ेगा, चूंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम रीडिंग कर ली चुके हैं, इसलिए हम एक्सप्लेन में डायरेक्ट बता रहे हैं कि क्यू के बाद, पहले के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद पी आएगा। द अदर सैटेलाइट्स वी हैव लॉन्च्ड आर द भास्कराज एप्पल, भास्कराज एप्पल एंड इंस्टेंट 1A 1B 1C, ठीक है। तो सारा लॉन्च करने का बात हो गया क्यू और पी मिला करके, ठीक है, क्यू और पी शुरुआत में रहेगा फर्स्ट के बाद, इसमें जो है और कोई नहीं है सिवाय फर्स्ट ऑप्शन के ऐसा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए आप लिंक ढूंढ के आंसर जल्दी तो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, रीडिंग तो करनी पड़ेगी ना, बिना रीडिंग किए कैसे होगा। 195 हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, नेशनल इंटेग्रिटी मीन्स नेशनल यूनिटी फॉर ऑल, नेशनल इंटेग्रिटी का मतलब, राष्ट्रीय अखंडता का मतलब होता है सबके लिए राष्ट्रीय एकता। फिर आर आना चाहिए, बट देयर आर सम इविल टेंडेंसीज इन आवर सोसाइटी टू हैम्पर आवर यूनिटी, पहला सेंटेंस से जो है आर जो है कॉन्ट्रास्ट कर रहा है बट के द्वारा, लेकिन कुछ इविल ताकतें हैं जो हमारे समाज में, हमारे देश में नेशनल यूनिटी को खतरा पहुंचाते हैं, उनको भंग करते हैं। फर्स्ट के बाद आर आ जाएगा, ठीक है, आर के बाद पी, दे आर द इविल्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, ये जो है संप्रदायवाद और धर्मवाद के एविल्स हैं जो ऐसा करते हैं। तो आर में एविल, सम एविल का बात किया गया है, और पी में एविल्स को क्लियर किया गया है कि कौन कौन से एविल हैं। तो फर्स्ट से आर का कॉन्ट्रास्ट के कारण रिलेशन है, और फिर आर से पी का एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट आर पी, फर्स्ट के बाद आर पी से शुरू होगा, ऐसा होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हम लोग 196 में, क्या है भैया, विच बेस्ट सूट्स द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, फिर से साइनोनिम्स बताना है, वाह वाह वाह। देखिए हाइडस है, यदि कोई चीज हाइडस है तो बहुत घृणा के लायक है, डिस्गस्टिंग है, गंदा है, ठीक है, मन में आपके घृणा का भाव पैदा करता है, इसलिए उसको हाइडस बोलते हैं। ट्रबल्ड है तो परेशान है, अनविल है तो तबियत खराब है, उसका स्वास्थ्य खराब है, और फेडेड है तो मुरझाया हुआ है। आई होप की चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। इम्पैसिव तो निष्क्रिय है, इम्पैसिव है तो क्या है भाई, निष्क्रिय है, वो सक्रिय नहीं है, वो सक्रिय नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो यदि निष्क्रिय है तो वो भावनात्मक तौर पे निष्क्रिय है, कोई भावना व्यक्त नहीं करता है, भाव शून्य है, इसीलिए अनइमोशनल कहा जाएगा। इंसेंस है, इंसेंस है तो खुशबूदार है, इंसेंस है तो क्या है, वो खुशबूदार है, तो फ्रैग्रेंस हो जाएगा। स्मेल का मतलब सूंघना या महकना होता है, स्वीटनेस का मतलब मिठास होता है, और कूल वेरी गुड के अर्थ में यूज किया जाता है। 199 इनएक्सोरेबल है, इनएक्सोरेबल है तो इसका मतलब है कि वह बहुत क्रूर है, क्रूअल है, स्ट्रिक्ट कठोर, माइजर कंजूस, ये एक नाउन है, इसके बाद मैन या बॉय, कुछ कोई नाउन मत लगाइएगा, माइजर मैन, माइजर बॉय, माइजर वुमेन, माइजर पर्सन बोलना गलत है, ठीक है, आप या तो ए माइजर सीधे सीधे बोलिए, और अगर नाउन लगाना ही चाहते हैं तो फिर माइजरली लिखिए, माइजरली मैन, माइजरली वुमेन, माइजरली बॉय, माइजरली पर्सन कीजिए, माइजरली एडजेक्टिव होता है। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, और लास्ट क्वेश्चन आज के क्वेश्चन पेपर का, इंटेंडेड, अगर कोई चीज इंटेंडेड है तो उसको आप
चाहते हैं, आप उसका इरादा करते हैं, इसलिए वो डिजायर्ड कह सकते हैं आप उसको, डिसाइडेड भी कह सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। एम्ड, प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड है तो उसको प्रोजेक्ट किया गया है, एम्ड है तो उस पर लक्ष्य रखा गया है, उसको निशाना साधा गया है। देखिए कुछ क्वेश्चंस एसएससी में कंफ्यूजिंग रहते हैं अपने ऑप्शंस के कारण, आपको उनको इग्नोर करना पड़ेगा, उतने 2% क्वेश्चंस को मान के चलना पड़ेगा कि ऐसे रहेंगे ही, आप इनको कुछ नहीं कर सकते, ये बदलना आपके और हमारे वश में नहीं है। उस पर विवाद करके अपना समय नष्ट करने से अच्छा है कि उन 2% को हम लोग बाई डिफॉल्ट मान के चलें कि ऐसा रहेगा, किस्मत के भरोसे, यदि जब लगा दिए टिक सही हो गया तो हो गया। बच्चों आप जरूर कमेंट में बताइए कि क्या आपको एक्सप्लेनेशन में मजा आया, कि आप चीजें सीख पाए, कि आप टू द पॉइंट बातें हुई कि नहीं हुई, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना भी बनता है और शेयर भी कीजिए, और अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी एनकरेज कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। इंग्लिश के लिए बहुत ही सिंसियर चैनल है, अलग अलग तरह के प्लेलिस्ट के सारे लिंक्स दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे जाएंगे तो उन प्लेलिस्ट में जाकर के वोकैबुलरी का है, नॉर्मन लुईस का है, वर्ड्स आर मेड इजी, और उसके बाद एससी हार्डविक का है, और प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चंस हैं, बैंक के इंग्लिश के सेट्स हैं, अलग अलग तरह के प्लेलिस्ट का सारा लिंक दिया गया है। हमें उम्मीद है कि ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही काम की साबित होंगी, तो सारे वीडियोस को देखिए और पूरा देखिए, कोई भी वीडियो एक भी सेकेंड के लिए स्किप मत कीजिए, बहुत सारी यूजफुल चीजें आप सीखेंगे, मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच।